दोस्तों कैंपटी फॉल से निकल के अब हम चलेंगे मसूरी मॉल रोड की तरफ। मॉल रोड यानी कि एक फेमस जगह है, मसूरी का मुख्य पर्यटन स्पॉट। दोस्तों बहुत लंबी ड्राइव हो चुकी है, अब लग गई है भूख, बैठेंगे कहीं खाना खाएंगे। खाना बड़ा स्वादिष्ट है, खाना खा के निकलेंगे बाहर। दिल कर रहा है कि इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए हम थोड़ी देर बैठ जाएं और इस जगह का आनंद लें। मसूरी हिमालय की पहाड़ियों से घिरा एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। यह जगह अंग्रेजों द्वारा बसाई गई थी। कहते हैं अंग्रेज अफसर यंग और देहरादून निवासी श्री शौर ने जगह खोज निकाली थी, तब से यह जगह अंग्रेजों से लेकर भारतीयों की मनपसंद घूमने की जगह है। सन 1832 के करीब से यहाँ लोग बसने लग गए थे। कई अंग्रेज अफसरों ने अपना घर यहाँ बना रखा था। यहाँ पर मसूर के पौधे बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए इस जगह का नाम मसूरी पड़ा। देहरादून की रेल लाइन आने के बाद यह जगह और भी ज्यादा फेमस हो गई। उत्तर भारत के लोगों के लिए यह एक बहुत ही फेमस ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थल है। सर्दियों में भी यहाँ पे बर्फ पड़ने के बाद यहाँ का नज़ारा बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। यहाँ आने के लिए आप देहरादून, ऋषिकेश, सहारनपुर या हरिद्वार कहीं भी ट्रेन से उतर सकते हैं। अगर आप हवाई यातायात करना चाहते हैं तो यहाँ से नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है जॉलीग्रॉन्ड, यहाँ से करीब 60 किलोमीटर है, तो आप जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन जगह है। मॉल रोड का नज़ारा आप जब देखोगे इसी तरह चकाचक होता है, लोगों की भीड़ भाड़ बहुत ज़बरदस्त होती है। मॉल रोड में एंट्री करने के लिए आपको आजकल चार्ज लग गया है, पहले ये जगह फ्री हुआ करती थी। यहाँ पे अगर आपको गाड़ी एंट्री करनी तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, बट ये जगह पैदल घूमने के लिए बहुत शानदार है। यहाँ की दुकान है, यहाँ के होटल्स बहुत ही प्यारे हैं। यहाँ से देहरादून का जो नज़ारा है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। भारत के कई प्रसिद्ध स्कूल्स यहाँ पर मसूरी में ही हैं। भारत के प्रशासनिक अधिकारियों की जो शुरुआत की ट्रेनिंग होती है वह भी मसूरी में ही होती है। मसूरी पढ़ने वालों के लिए बहुत ही शांत जगह है। तो चलिए दोस्तों घूमते हैं मॉल रोड पे, और मॉल रोड के बाद यहाँ से हम निकलेंगे देहरादून की तरफ। आज रात को हमें निकलना है वापस मुंबई की तरफ। तो ट्रिप बहुत शानदार था। वीडियो आपको अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए आपका अपना चैनल अपना भारत 21।